जय श्री कृष्ण। सोमनाथ लीला की तीसरी कड़ी हम देख रहे हैं। जब स्वामी जी ने राह में एक राजकुमार को अपने साथ वृंदावन लेकर जाने की घोषणा की थी, लेकिन निराश होकर के वहाँ से चल दिए। जब सोमनाथ पहुँचे तो एक व्यक्ति को बचाया। अब कुछ दिन सोमनाथ में ही रह रहे हैं। वो भक्त जिसे उन्होंने बचाया था, उनकी सेवा में, उनकी देखरेख में रहने लगा। एक दिन कुटिया में स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। भक्त ने आकर कहा, एक युवक और युवती आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है? कोई राजेंद्र प्रताप सिंह नाम बताया है उसने। स्वामी जी बोले, कहो, बाहर बैठे, मैं बुला लूंगा। जी, वे समझ गए ये वो ही राजकुमार है। अब बाहर बैठे हुए उन्हें दोपहर से सांझ हो गई। तब स्वामी जी ने बुलाया। राजकुमार को कुछ गुस्सा सा आ गया था। इतनी देर हो गई पर बात भी नहीं कर रहे। आखिर भीतर आए। राजकुमार के साथ नर्तकी थी। वे बोले, बैठो, बोलो, क्या बात है? राजकुमार बोला, इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी कुछ कड़क आवाज में बोले, इंतजार करने की आदत डालो। ये तुम्हारा राजमहल नहीं है कि जब जो फरमाइश कर दी पूरी हो गई। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि जब मिलने की इच्छा हुई बुला लिया। होंगे राजा होंगे तो तुम अपने राजमहल के। पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है कि सबको जैसे चाहो वैसे चलाओ। तुम्हारा आदेश नहीं चलेगा जगत पर। लेकिन बीच में ही वे बोले, चुप रहो, बहुत बोल लिए तुम, अब सुनने की आदत डालो। संसार ईश्वर का है, तुम्हें उसके हिसाब से नाचना पड़ेगा। जगत तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचेगा। ये रौब, ये अहंकार ले डूबेगा तुम्हें। किस पर दिखा रहे हो ये गर्व? राजकुमार की आंखें भर आईं। स्वामी जी भी शांत हुए। आज तक शायद किसी ने डांटा नहीं होगा इस तरह। नर्तकी चुपचाप बैठी थी। राजमहल में तो एकदम शांत संत के दर्शन किए थे, परंतु यहाँ ये उत्तेजित हैं। कुछ देर तक सब शांत रहे। किसी में कुछ बोलने का साहस नहीं था। स्वामी जी भक्त से बोले, इनके भोजन की भी व्यवस्था कर लेना। राजकुमार के पास जाकर उसका मस्तक सहलाने लगे। बहुत परेशान है, क्या बात है, राजा नहीं बन पाया? नर्तकी बोली, जिस रात को आप गए उसी रात को इनकी गर्भवती पत्नी का देहांत हो गया। बच्चा भी नहीं बचा। शोक काल के कारण राज तिलक संभव ही नहीं था। बाद में इन्होंने मना कर दिया। क्यों? राजकुमार बोला, किसके लिए ये राजपाट? मुझे पत्नी से बहुत स्नेह था। इस राज नर्तकी ने भी नृत्य कार्य उसी दिन से छोड़ दिया जब आपके पास भेजा था। मैं पत्नी के देहांत से हिल गया स्वामी जी। सोचता था मेरी खुशियां कोई नहीं छीन सकता, लेकिन सब छिन गया। मैं परेशान रहता था, तब इस राज नर्तकी ने ही मुझे राह दिखाई, आपसे मिलने के लिए कहा। राज्य में किसी साधु से पता चला कि आप सोमनाथ जाना चाहते थे, इसलिए हम भी ढूंढते हुए यहाँ आए। आपका नाम भी उन्हीं साधु से मालूम हुआ। स्वामी जी बोले, दूसरा विवाह कर लेते। दूसरी पत्नी कौन सी अमर होगी? ये तो संसार का सत्य है, यहाँ सभी कुछ क्षणभंगुर है। वो बोला, मुझे ऐसा क्षणभंगुर सुख नहीं चाहिए, छिनने वाला साथ नहीं चाहिए। स्वामी जी बोले, नहीं, छिनने वाला तो एकमात्र परमात्मा है, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। उसका मिलना मुश्किल है, लेकिन मिलने के बाद बिछुड़ना असंभव। उससे परिचय होना कठिन है, लेकिन फिर दूरी नहीं रहती। वो मालिकों का मालिक है, जगत का नचैया है, सर्वशक्तिमान है। हम सब उसके अधीन हैं। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी नाचना उसी के इशारों पर पड़ेगा। हमारी अपनी ही चाह हमें दुख देती है। जब हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं या जगत को चलाना चाहते हैं तो दुख उठाते हैं।
लेकिन जब जगत को उसके द्वारा चलाया हुआ और अपने आप को उसका नर्तक समझ लेते हैं तो दुख नहीं रहता। मुझे भी वहीं पहुंचना है, स्वामी जी बोले। फिर कहूंगा, प्रतीक्षा करने की आदत डालनी होगी। ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है कि जब इच्छा हुई घुस गए। और ध्यान रखो, ये भी नहीं होता कि जब इच्छा हुई बाहर आ गए। एक बार वो ईश्वर पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, चाहे लाख प्रार्थना कर लो। बोला, मुझे स्वीकार है, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। नहीं, तुम्हें तो मुझे ईश्वर का सेवक बनाकर वृंदावन ले जाना है, लेकिन ऐसे नहीं जब तुम्हारी उत्कंठा होगी। बोला, उत्कंठा है, देखेंगे। नर्तकी से स्वामी जी बोले, तुम क्या चाहती हो? मार्गदर्शन। ईश्वर की शरण ग्रहण करो, वे मार्गदर्शन भी करेंगे। नगर में रहना मुश्किल हो गया। स्वामी जी ने पूछा, परिवार में कौन कौन है? तो बोली, बाबूजी हैं, छोटी बहन है। उनसे अनुमति लेकर आई हो अभी या? बोली, लेकर आई हूँ। बाबूजी ने आपको देखा था नगर में, वे आपका आदर करते हैं। ठीक है, घर पर ही रहो, बाद में जरूरत पड़े तो यहाँ सोमनाथ में किसी अपनी जैसी सखी के साथ आकर रह जाना। ये कहकर स्वामी जी उठ गए। अब मैं भ्रमण के लिए जाऊंगा। वे सागर तट पर चले गए। वहाँ एक व्यक्ति रोज उनके पास आता था और बातें करने लगता था, उनसे कथा सुनता था। उसे ईश्वर प्राप्ति आदि से कोई मतलब नहीं था। आज भी आ गया, स्वामी जी कोई कथा सुनाओ, आज तो बड़ा परेशान हूँ। मेरे मित्र ने कार्यक्रम किया और उसमें मुझे निमंत्रण नहीं दिया, अपमान कर डाला। वे बोले, झूठे अभिमान को लेकर बैठे रहते हो, जाने की इच्छा है तो चले जाओ, लेकिन नहीं, बिना निमंत्रण कैसे चले जाएंगे? चार बार कोई बुलाने नहीं आया तो अपमान हो गया, कार्यक्रम में थोड़े से पैसे कम दे दिए तो अपमान हो गया, किसी ने तेज आवाज में बात कर ली तो अपमान हो गया। छोड़ो स्वामी जी, आप तो कथा सुनाओ। क्यों सुनाऊं? वहां मंदिर के पास धर्मशाला में चल रही है, वहां जाकर सुन लो। आप नई नई सुनाते हो, मैं यहाँ तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा। तुम्हें चलना तो कहीं है नहीं, बस गोल गोल चक्कर काटना है, कहीं पहुंचना तो है नहीं, घूमना है केवल। ये कहकर वे वहां से कुटिया पर आ गए, कुछ दिन वहीं रहे। नर्तकी तो चली गई थी। एक दिन वो भक्त कहता है, मैं आपकी कुछ सेवा कर दूं? वे बोले, क्या सेवा करोगे? भगवान का भजन करो, उसका नाम जपो, कुछ पुस्तकें पढ़ो, प्रार्थना करो, उसका चिंतन करो, सत्संग करो। वो बोला, नहीं, आपकी कुछ सेवा। फिर संकोच से कहता है, चरण सेवा या? वे बीच में ही बात काट कर बोले, रहने दो, ये शरीर सेवा तो बाद की बात है, मेरी वाणी सेवा ही कर दो, बहुत है। जो मैं कह रहा हूँ वो कर दो, सुमिरन करो प्रभु का। मेरा शरीर अभी काम दे रहा है और भाव भी कोई बहुत बढ़ा हुआ नहीं है कि मुझसे काम हो ही नहीं सके, इसलिए जब तक मैं कर सकता हूँ करने दो, तुम प्रभु स्मरण करो। वो बोला, जी एक अनुरोध है, अपने साथ मुझे भी वृंदावन ले चलना। बोले, ठीक है। कहते हैं, और वो राजकुमार देखते हैं वो है कहाँ, कुछ दिन से दिखा नहीं, पता नहीं। कुछ दिन बाद दोनों वृंदावन की तरफ चल दिए, राजकुमार तो मिला ही नहीं। वृंदावन पहुंचे तो वह आश्रम पर पहले से ही मौजूद था। बोला, वहां से पता नहीं आप लाते या नहीं लाते, क्या क्या परीक्षा लेते, अब लेते रहो, मैं तो आ गया। स्वामी जी हंसने लगे। कुछ दिन बाद दोनों को संन्यास दीक्षा दी। जय श्री कृष्ण।